2013 के अंदर मरकजी जामिया जलालिया रिजविया मजहरुल इस्लाम के अंदर पहला अफकार रजा सेमिनार का इनकाद किया, जिसकी सदारत सैयद सादात फख्र सादात जगम इस्लाम पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब जीदे शर्फ हूँ आप कराची, आपने फरमाई और डॉक्टर साहब ने दुआ की जो हाल में सहाबी रसूल की इज्जत नामूस को के तहफ्फुज के लिए इमाम अहमद रजा तशरीह के सही और दुरुस्त महफूज होने के हक के भी अकंदुल उलमा ने अदा किया है। लाहौर वालों गवाह हो जाओ, कंदुल उलमा अहले सुन्नत के लिए एक नेमत है। हम अहले सुन्नत का बहुत बड़ा साया सहारा है। अब बच्चे बच्चे बूढ़े नौजवानों को घरों से निकलना होगा और इदारा हर तरीके से उसे सपोर्ट करना। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, रब्बी ज़ुल जलाल के फ़ज़ल व करम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद व नज़रियात पे पहरा देने वाली अज़ीम शख्सियत आलम रबानी मुहाफ़िज़ अक़ायद अहले सुन्नत तर्जमान आले सुन्नत पासबानी मसलक रज़ा सैयदी हुज़ूर क़िबला कंज़ुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया चेयरमैन तारीख़ लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने आले सुन्नत व जमात के तशख़्ुस को बचाने के लिए जिस कदर खिदमात पेश की, आले सुन्नत व जमात का हर फ़र्द इससे बखूबी आगाह और वाकिफ़ है। तो रब्बी ज़ुल जलाल ने जिस कदर आपको बड़ा मनसब और मकाम अता फरमाया है, उसी कदर ही आपके जो हासिदीन हैं और आदा हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी कसरत है, जो हर रोज़ तरह तरह के आप दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की ज़ात पे इल्ज़ामात बहतान से काम लेते मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। इसी तरह आजकल क़िबला इमाम जलाली ज़ीदे शर्फ़ू के ख़िलाफ़ एक और प्रोपोगंडा किया जा रहा है, जो कि एक मखसूस तबके की जानब से किया जा रहा है और हम उनको अपनी ज़ुबान में गरोही मुकफ़िरा कहते हैं। उनकी तरफ से क़िबला इमाम जलाली ज़ीदे शर्फ़ू की एक आडियो वायरल की जा रही है, जिससे ये तासर पेश किया जा रहा है कि माज़ल्ला क़िबला इमाम जलाली ज़ीदे शर्फ़ू ने ख़ुद भी फ़तवा हुसाम अरमैन शरीफ़ैन से रजू कर लिया है और सैयद आला हज़रत रहमा पे भी माज़ल्ला ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने भी तवागीत अरबा की तकफ़ीर करने के बाद अपने फ़तवा से रजू कर लिया था माज़ल्ला। तो आपकी ख़िदमत में आज मैंने मुख्तसर ये अर्ज़ करना है कि ये आडियो जो कि वायरल की जा रही है क़िबला इमाम जलाली ज़ीदे शर्फ़ू की निजी महफ़िल में, जिसके अंदर उस साइल ने एक मुतनाज़ा शख्स करम शाह अल अज़री के मुतल्लिक ये दरियाफ्त किया कि जी आप उसकी तकफ़ीर क्यों नहीं करते और उसके लिहाज से आप हुक्म कुफर क्यों नहीं लगाते, तो क़िबला इमाम जलाली ज़ीदे शर्फ़ू ने तकफ़ीर वाले मसले की हसासियत को बताते हुए उस साइल को समझाया कि रिजवियत किसी की बिला वजह तकफ़ीर करने का नाम नहीं, बल्कि इस मामला में एहतियात करने का नाम है। जिस पसे मंज़र में आप दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ने उस साइल को सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा की किताब तमहीद ईमान, जो कि हुसाम अल अरमैन के बाद लिखी गई, उसका एक हवाला पेश किया और जिसके अंदर सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमा ने मोतरजीन की तरफ से जो आप पर एतराज़ात किए गए जब आपने फतवा हुसाम अल अरमैन लगाया, तो मोतरजीन की तरफ से ये एतराज़ात किए गए कि जी सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमा तो बिला वजह तकफ़ीर कर देते हैं, तो सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमा ने उन मोतरजीन को जवाब देते हुए तमहीद ईमान के अंदर एक इबारत नकल की, जो कि असल इबारत है सुबहान सुबू की, जो कि फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 15 और सफ़ा नंबर 430 पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। और सुबहान सुबू ये हुसाम अल हरमैन शरीफ़ैन से पहले लिखी गई, जिसके बाद आपने तमहीद ईमान लिखी, उस तमहीद ईमान में आपने अपनी पहली किताब सुबहान सुबू का हवाला पेश करते हुए उन मोतरजीन को यह जवाब दिया कि मैंने इन तवागीत अरबा की तकफ़ीर वाले मामला में कितनी एहतियात बरती है कि 78, 78, 75, 75 वजूह से इनका लजूम कुफर साबित हो चुका था, बावजूद इसके कि मैंने इन पर हुक्म कुफर नहीं लगाया, हाँ जब इल्तिज़ाम हुआ तो फिर मैंने देर नहीं लगाई। ये क़िबला इमाम जलाली ज़ीदे शर्फ़ू ने सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमा के सेम वही अल्फाज हू बहू जो आपने सुबहान सुबू में पहले लिखे, बाद में मोतरजीन के एतराज़ात के जवाब देते हुए आपने दोबारा तमहीद ईमान में नकल किए, तो क़िबला इमाम जलाली ज़ीदे शर्फ़ू भी उस सैल को यही समझाया और यही समझा रहे थे कि सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमा ने इस मामला में बड़ी एहतियात बरती है। और जिस मुतनाज़ा शख्स के हवाला से दरियाफ्त किया गया
क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ वो ने उसके लिहाज से जो तवक्कुफ इख्तियार किया है वो इस बुनियाद पर है कि 1994 के अंदर इसी मुतनाज़ा शख्स की जो काबिल गिरफ्त इबारात थी वो मंजरी आम पर आ चुकी थी। बावजूद इसके जमूर आले सुन्नत व जमात ने सुन्नी सुप्रीम कौंसिल का उसे चेयरमैन मुंतखब किया गया और उस मुतनाज़ा शख्स को सुन्नी सुप्रीम कौंसिल का चेयरमैन मुंतखब करने वालों में सर फहरिस्त शुमार होता है बानिए जामिया निज़ामिया हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ की ज़ात का और फिर दीगर जो हमारे अकाबरीन आले सुन्नत हैं उन्होंने उसको सुन्नी सुप्रीम कौंसिल का चेयरमैन मुंतखब किया और उसकी सरबराही में कई प्रोग्राम्स हुए और इन हमारे उलमा आले सुन्नत ने उसमें शिरकत भी की। अब उसका रजू कहाँ तक दुरुस्त है, उसके हकैक क्या हैं और हमारे जमूर आले सुन्नत ने जो उसके रजू को माना एक्सेप्ट किया इसके हकैक इसके दलाइल वही दे सकते हैं, हमारा उस मुतनाज़ा शख्स के हवाला से तवक्कुफ है। अब नाज़रीन किराम ये बात बड़ी काबिल गौर है कि भले इमाम जलाली ज़िद शरफ़ ने उस सैल को इस मसला की हसासियत के मुतल्लिक उसे बताया कि इस मुतनाज़ा शख्स को तो फलां फलां ने अपना सदर भी माना है, जब वो फौत हुआ तो उसके जनाजा में किस किस शख्स ने शिरकत की है। ये आप स्क्रीन पे एक लेटर पैड जो कि उस्तादुल उलमा जामिल माकूल वल मनकूल हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब शहीदी ज़िद शरफ़ आपका लेटर पैड है जिस पे आपसे किसी ने उस मुतनाज़ा शख्स के जनाजे के पढ़ाने के मुतल्लिक दरियाफ्त किया कि उसका जनाजा किसने पढ़ाया, क्या मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब अलैहिर्रहमा या अब्दुल हकीम शरफ कादरी अलैहिर्रहमा आपने पढ़ाया, तो क़िबला सईदी साहब ज़िद शरफ़ उसको जवाब देते हैं कि इन दोनों शख्सियात ने इन दोनों हजरात ने इसका जनाजा नहीं पढ़ाया, हाँ शिरकत की है। तो क़िबला जलाली साहब ज़िद शरफ़ ने उस सैल को यही बताया कि उस मुतनाज़ा शख्स करम शाह अल अज़री के जनाजे में शिरकत करने वाले हमारे जमूर आले सुन्नत हैं और पूरे पूरे सुन्नी जामियात ने उसके जनाजे में शिरकत कर रखी है। क़िबला जलाली साहब ज़िद शरफ़ इनको कहते हैं कि अगर इस मुतनाज़ा शख्स के लिहाज से तकफीर का कतई हुक्म लगाना है फिर जमूर आले सुन्नत की भी तकफीर लाजिम आएगी और उनके लिहाज भी तुम्हें हुक्म सादिर करना होगा, मैं इस वजह से इसमें तवक्कुफ़ इख्तियार किए हुए हूँ। अब इंसाफ का तकाजा तो ये है कि यही गरोह मुकफ़िरा जो आज क़िबला जलाली साहब ज़िद शरफ़ की एक आडियो जिसकी कोई शरियासियत नहीं जो कि काबिल हुज्जत ही नहीं है, जिस आडियो को ये बेस बनाकर बुनियाद बनाकर प्रोपेगंडा कर रहे हैं क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ की ज़ात के लिहाज से, जबकि क़िबला जलाली साहब ज़िद शरफ़ ने तो ना उसका जनाजा पढ़ा ना उसके लिहाज से रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज लिखे ना उसकी ताज़ियत की ना उसे अकाबरीन आले सुन्नत में शुमार किया है, जिस जिस हमारी अजीम शख्सियत ने उसका रजू माना उसका जनाजा पढ़ा उसकी ताज़ियत की, तो क़िबला जलाली साहब ज़िद शरफ़ ने फरमाया कि ये फिर जो गरोह मुकफ़िरा है उन सब के लिहाज से यकसा हुक्म सादिर क्यों नहीं करते। जब ये मामला आता है तो ये सारे खामोश हो जाते हैं। अब इसके दो ही सबब हो सकते हैं, एक तो ये है कि ये गरोह मुकफ़िरा पहले नंबर पे तो ये अपने नज़रिए से भी मुत्तफिक नहीं, या दूसरे नंबर पे ये है कि ये मुनाफ़क़त से काम लेते हैं। तो इस वजह से क़िबला जलाली साहब ज़िद शरफ़ ने अगर तवक्कुफ़ वाला मौक़िफ़ इख्तियार किया उस मुतनाज़ा शख्स करम शाह अल अज़री के हवाला से इस वजह से कि जमूर आले सुन्नत व जमात की माज़ल्ला कहीं तकफ़ीर लाजिम ना आए, फिर इसी तरह जो उनके शागिर्द हैं जो उनके मुरीद हैं उनकी माज़ल्ला तकफ़ीर लाजिम आएगी। और फिर इसमें नाज़रीन इकराम एक चीज़ जो कि तवज्जो तलब भी है काबिल गौर भी है, जिन जुमलों को इन्होंने बेस बनाकर बुनियाद बनाकर क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ पर इल्ज़ाम बोतान लगाया कि जी वो सुलह कुल्ली हैं माज़ल्ला फ़िक्र रज़ा के बागी हैं, अगर वो जुमले सुने जाएं और साथ ही क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ के ये वाले जुमले, क्या खलील अम्बेठवी रशीद गंगोई कासिम ननुतवी को काफिर कह चुके थे कि आला हज़रत अल रहमा अब भी उन्हें मुसलमान समझ रहे थे, लफ्ज़ क्या के साथ क्या इस्तिफामिया है और यहाँ पर इस्तिफाम इनकारी है। क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ ये फरमा रहे थे उस साइल को कि सैयदी आला हज़रत अल रहमा ने जब इनको काफिर कह दिया, काफिर कहने के बाद हुसाम अल हरमैन फतवा लगाने के बाद तमीदी ईमान में जो आप इनके लिहाज से ये कह रहे थे कि मैं इन मुद्दाइयान जदीद को अब भी मुसलमान मानता हूँ समझता हूँ, तो आप दामत बरकातुल कुदसिया फरमा रहे थे कि सैयदी आला हज़रत अल रहमा बिल्कुल भी इनको मुसलमान नहीं समझ रहे थे फतवा लगाने के बाद इल्तिज़ाम होने के बाद, बल्कि आप तो उन मुतरजीन के एतराज़ात के जवाबात दे रहे थे और उस जवाब में हिकायतन आप तमीद ईमान में सुबहान सुबू की इबारत नकल कर रहे थे। तो ये मामला रोज़े रोशन की तरह वाज़े और आया है। जिस मर्द कलंदर ने अपने इमाम की किताब तमीद ईमान का अरबी में तर्जमा लिखा और अरब के उलमा को फ़िक्र रज़ा से आशना किया,
जिस मर्द कलंदर ने अल्लाह के फजल से कितनी कुतुब पे, जो कि इन्हीं तवागीत अरबा के लिहाज से बिलखसूस इसी कासिम नतवी के लिहाज से यह किताब लिखी गई है, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहज़ीरुन नास, सैयद बादशाह तबस्सुम शाह साहब बुखारी ज़ीद शर्फ, आपने ये लिखी, इस पर तकरीर के बिना इमाम जलाली ज़ीद शर्फ की है। इसी तरह यह किताब जो कि देवबंदी तालीफ रज़ा ख़ानी मज़हब का इलमी व तहक़ीक़ी जायज़ा आइन आले सुन्नत, इस पर तकरीर के बिना इमाम जलाली ज़ीद शर्फ की है। और ये इहका के हक जो कि क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शर्फ ने मुनाजरे किए दो देवबंदियों से एक वहाबियों से, इसके अंदर वो रुईदात लिखी गई है। तो ये क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शर्फ की खिदमात हैं अफकार आल हज़रत को आम करने के लिहाज से। और फिर आपने जो 2013 के अंदर मरकज़ी जामिया जलालिया रिजविया मजहरुल इस्लाम के अंदर पहला अफकार रज़ा सेमिनार का इनकाद किया, जिसकी सदारत सैयद सादात फ़ख्र सादात ज़ग़म इस्लाम पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ज़ीद शर्फ आफ कराची, आपने फरमाई लिहाजा पढ़िए और इदारा-ए-सिरात-ए-मुस्तकीम का मुकम्मल साथ दीजिए और आगे बढ़िए। मैंने इदारा-ए-सिरात-ए-मुस्तकीम को मुताला करके समझा है, मैंने डॉक्टर साहब की तकरीरों को सुनकर समझा है, मैं बाकायदा जामिया से पढ़ा हुआ हूँ, मैं बाकायदा उलमा के हलके से वाबस्ता आदमी हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब की खिदमत आपके अफकार और अल्लाह ने जो आपको जुर्रत बहादुरी अता फरमाई है, ये जुर्रत बहादुरी बहादुरी है, इसलिए हर महाशय पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे काम लिया, खून लिया, आखिर भी आगे ना आ सका न दुश्मन आ सका। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में करता हूं कि अपनी खैर को जानते हुए कि कल कयामत के यौम अल वासी दीवान की हर शख्स अपने इमाम के नाम से उठाया जाएगा, उठिए और कंजुल अल्लाह के साथ। लेकिन पज़ीराई कम है, पज़ीराई कम, मुखालिफत ज्यादा है, लेकिन मुखालिफत के रास्ते को नहीं रोक सकती, इसलिए कि वो कम 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 पज़ीराई कितनी मुखलिसाना है जिसकी जड़ें आसमानों पर भी फैली हुई हैं और जमीनों पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़िबला डॉक्टर साहब को लंबी उम्र मिला अफियत अता फरमाए, और ये जो जुमले मैंने किए हैं लिहाजा इदारा सिराते मुस्तकीम सदहा दफा चाहे वो अकीदाए तौहीद से मिनार हो या अकीदाए तौहीद और रिसालत से मिनार हो, और मैं बार बार सलाम अकीदत पेश करता हूं अपने बुजुर्गों की तरफ से, मेरे वालिद गिरामी बहुत आशिक थे सिदना बिन इमाम रजी अल्लाह तआला के, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के लिए के हसनी सादात होने की हिस्से से मेरे वालिद गिरामी बाकायदा शजरा पढ़कर हमें घर के अंदर बताते थे कि जनाब ये अकीदा रखना है सिदना बिन इमाम के लिए। मैंने ये बात मदार शरीफ पर पेश की और डॉक्टर साहब ने दुआ की जो हाल में सहाबी रसूल की इज्जत और नामूस को के तहफ्फुज के लिए इमाम अहमद रजा की तशरीहात के सही और दुरुस्त हाफिज होने का हक के भी कंजुल उलमा ने अदा किया है। लाहौर वालों गवाह हो जाओ, कंजुल उलमा अहले सुन्नत के लिए एक नेमत है, हम अहले सुन्नत का बहुत बड़ा साया सहारा है। अब बच्चे बच्चे बूढ़े नौजवानों को घरों से निकलना होगा और इदारा सिराते मुस्तकीम का हर तरीके से उसे सपोर्ट करना होगा, इसलिए कि ये इदारा अकायद और नजरियात के एतबार से यकीनन ये अभी चला है, तो इसकी रोशनी से चार चंद आलम रोशन हो रहे हैं, जब ये उफक पर जाहिर होगा अपने कमाल के साथ उस मकलबा क्या होगा। लेकिन कामयाब वो होते हैं, बाद में तो सब आएंगे, अब देखना ये कि इस काफिले के चल जो रहा है इसमें लिहाजा पढ़िए और इदारा सिराते मुस्तकीम का मुकम्मल साथ दीजिए और आगे बढ़िए। मैंने इदारा सिराते मुस्तकीम को मुताला करके समझा है, मैंने डॉक्टर साहब की तकरीरों को सुनकर समझा है, मैं बाकायदा जामिया से पढ़ा हुआ शख्स हूं, मैं बाकायदा उलमा के हलके से वाबस्ता आदमी हूं, लेकिन डॉक्टर साहब की खिदमत आपके अफकार और अल्लाह ने जो आपको जुर्रत बहादुरी अता फरमाई है, ये जुर्रत बहादुरी दीनी जुर्रत बहादुरी है, इसलिए हर महाश पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे काम लिया, खूब लिया, हासिल भी आगे ना आ सका न दुश्मन आ सका।
लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि अपनी खैर को जानते हुए कि कल कयामत के लिए यौम अलकुल्लाह नासिब इमाम ही हर शख्स अपने इमाम के नाम से उठाया जाएगा। उठिए और कंजुल अल्लाह के साथ इनके साथ जुड़िए और इस कारवां को इदारा सिरात मुस्तकीम जो तशरीहात सवाद आजम की तशरीहात का मुहाफिज है, सवाद आजम के अकायद का मुहाफिज है, तंजीमें सात तरीके की बन जाती है, लेकिन जिस महज पर इदारा सिरात मुस्तकीम काम करता है इसमें पजीराई कम मुखालिफ ज्यादा है, लेकिन पजीराई कम है, पजीराई कम मुखालिफत ज्यादा है, लेकिन मुखालिफत इसके रास्ते को नहीं रोक सकती, इसलिए कि वो कम 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 पजीराई भी इतनी मुखलिसाना है जिसकी जड़ें आसमानों पर भी फैली हुई हैं और जमीनों पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़िबला डॉक्टर साहब को उम्र मिला आफियत अता फरमाए और ये जो जुमले मैंने किए हैं यकीन कीजिए तकरीर करना मेरी आदत है लेकिन मैंने तकरीर नहीं की है, ये ईमानी जज्बात के लिए है और वो जुमले मैंने आपसे कहे हैं जो हुज़ूर की हदीस है कि तुम में मोमिन वही है जो अपने लिए पसंद करता हो वो अपने भाई के लिए पसंद करे। उनकी मौजूदगी में आपने इसी ऑडियो के लिहाज से अपनी वजाहत भी पेश कर दी है, आप समाप्त कर सकते हैं। यहां तक कि फरमाया ये कहते हैं ये तो शाह अब्दुल अजीज साहब भी काफी कहते हैं, शाह बलूल्ला साहब भी काफी कहते हैं, शाह फजलुर रहमान साहब काफी कहते हैं, ये इनका क्या है, ये तो हर किसी को काफी कहते हैं। जब ऐसी हवा चल रही थी तो मेरे इमाम ने तमहीद के इमाम को बताया कि तुम्हारे कितने जराए थे, कितनी निगुस से कुफर लाजम आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने निकाह का फतवा नहीं दिया, जब जब ताजे उम्र हुए फिर मैंने फतवा दिया है। इस मकाम पर आला हजरत साहब रे अहमद अल अदीन को तो अपने सबसे लिखते हैं जिन जिन की तकदीर का इतिहास उलमा ने जिंदन पर रखा उनमें सबसे ज्यादा गुंजाइश अगर इन साहिबों को मिलती तो इस मंजिल भी नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि अहमद अल्ला ने तो बल्कि कुछ ने का भी नाम क्या लाला भी ये कह रहे हैं, तो मेरे इमाम ने कहा जिसके बारे में ज्यादा धन थी ये नामों में मेरे वो तो इसमें मेरे लिए है। तो मेरी ये याद देखो कि कहते हैं सुभान जो मेरी किताब है तुम मुझे कहते हो कि इन्होंने तकदीर मशीन लगाई हुई है, तुम्हारे बड़े मैंने नहीं लेकिन फिर फिर कहते हैं अलका का वो जो इस ही के में हुआ और बारे शाबान पहले और दूसरी उसमें और लिखा हमारे कहते हैं कि वाक का कलमे में ऊपर होना और बात है,
किसी भी बात कलमा करो लेकिन उसको काफिर कर देना ये और क्यों फरमाया कि लजूम और इल्तिजाम का फर्क है। कलमा में कुफर का होना ये लजूम में फर्क है और काफिर तब है जब इल्तिजाम करेगा तो कहते हैं लजूम और इल्तिजाम है इसमें फर्क है। अखबार का कलमा कुफर होना और बात और राय को काफिर बना देना और बात हम इजाद करेंगे सुकून करेंगे जब तक दई सारे माल अपनी किताब हवाला
इसलिए किया कि लोग और जिसने यहां से सन्नत ली हो और आज हजरत के हुसाम का बयान का सफर रखने के लिए मेरे पास पूरा रजिस्टर है, क्योंकि मैंने जब किसी से सन्नत ली थी तो मैंने सफर किया है और अल्लाह का फजल है इस हुसाम का बयान ही आज मेरे अंदर जान दिल में रख के चल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे तकबीर, फरजाने रज़ा, फरजाने रज़ा, फरजाने रज़ा। स्टेज पर और भजमा में कई बार गुरुदास जी के जलाल के बैठे हो, मैं बिल्कुल चैलेंज दे रहा हूं आज तक जामिया जलाल से फारूक रशीद हो जो बरकत कोई एक बंदा नहीं आती है कि जो जिसको हमने सन्नत दी हो और उसने इमाम के फतवे पे दर्जा तक लगी हो उसामा पर मैं एक बार पहले ने दर्जा तक करा फिर हम उसको फारूक रशीद मुसनद आलिम से लेते हैं। इतनी हम पाबंदी करवाते हैं और गुजरावाला में एक शख्स का पसंदर मुझे मालूम नहीं था। जब मैं नया नया वहां पहुंचा वो मगरब के टाइम दावत के लिए आ गया कि आज ही मैं लाऊंगा रमजान का महीना का। मैंने कहा नहीं, उसे बड़ा इशारा किया, मुझे उसके बारे में शक था तो उसका खाना ना खाने के लिए मैंने कहा हुसैन अगर मैं दरदरा कर कर हो फिर दावत का साथ आ गया और वरना तुम दावत का साथ करते आज ही वो बंदा जिंदा अल्लाह का फजल करे इंटरनेशनल सतह पर हमने जितने के मुताबिक इंटरनेशनल सतह पर उसामा फरमाया हमने मुलाकात करेंगे इंटरनेशनल सतह पर हमने उसामा फरमाया का साथ किया अफगानी वालों से अरब वालों से बल्कि अरबों को आला हजरत के फतवे पर मुताबिक करने के लिए थे। मैंने तंबीहे ईमानदारी में तर्जमा किया वो तमीज़े ईमान उर्दू में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तमीज़े ईमान अभी जिस का मैं हवाला आपके सामने पेश कर रहा था ये तमीज़े ईमान मैंने 1995 में इस अरबी में तर्जमा किया सही में वो छपा और उसके बाद मुस्लिम किताब की तरफ से वो लैदा में छपा आला हज़रत की तमीज़े ईमान जिसमें उसामा फरमाया है कि किस मनों में अपना पाबंद कर जवाब दिया गया अरे अरे दुनिया में इस पर मुतले लेने के लिए इस अरबी जबान में तारीख ट्रांसलेशन कर कर हम उन लोगों से इस पर उन लोगों को कायम करने की पूरी कोशिश की और 1994 में बगदाद शरीफ में अल हजरत अल खासिया
हजरत उन्हें बताया कि तुम्हारी मदारियों का आपके दूसरे हुए लोग हैं पाकिस्तान आए हुए आपने आपको सूफी इस अंदर में पैरोकार कहकर ये जो इस शराब बना रहे हैं हम तो मेरे चीज है हर किसी ऐसा नहीं है इन्हें फुलाने ने ये लिखा फुलाने ये लिखा फुलाने ये लिखा फुलाने ये लिखा आज ही मेरे सामने वो मंदिर है मैं नजर से वो सब बात के दरबार तेरे सारा अरे बुलावा को पहले सुल्तान कितनी बार मारा मगर मैंने क्या लिखा कहते हैं कि मैंने लिखा कि यानी यानी को तो अभी भी मुसलमान जान रहा था फतवा देने से पहले ये और फिर अगर आज कोई पहले लोगों को हटा के पिछले लगभग किसी को दिखा के ये कहना देखो आला आला अच्छे हैं उधर फतवा भी दे देते हैं उधर ये कहते हैं कि मुसलमान बन जाता हूं तो ये ख्यानत नहीं होगी तो आला हजरत ने लिखा पहले था उसको नकल बात वाली किताब में किया है इजाद को बताने के लिए कि मैंने इजाद करके फतवा दिया फतवा देने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रही पहले वाली ये इजाद ने दिया ये आज क्योंकि सुन्नत जंगल है और कितने हैं गुजशतर साल आज में बीमार हेपेटाइटिस की बुनियाद में जा रहा था मॉरिशस में पिछली थी एक रात के लिए मैं गया तो मेरे मामा जी और एक और दो मिलने के लिए आ गए उनके साथ खानदान तो यही बात चल रही थी तो हमने उन उनके सामने कानून बयान किया आज अगर हमने किसी को काफिर कहना है आला हजरत की तालीमात में तरीका क्या है अभी तक मुसलमान वो मैंने तो और लोगों में फितना फैला लाना अल्लाह की ख्याना करने वाले लोग पसंद नहीं करता जब मेरे जैसा बंदा मैं जब से होश संभाला है इसी घड़ी तक एक सेकंड भी मेरे दिल में और उसका तक रहा है और ये याद है एक बंदे के कुछ वक्त तक कुछ नजरियात आते हैं फिर बदलते हैं फिर जी नाज़रीन किराम आपने समाप्त फरमाया अब मैं समझता हूं कि मजीद इस पर मेरा कलाम करना कुछ माना नहीं रखता मगर एक चीज मैं वाज़े कर दूं जो हजरत क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफू की जात के लिहाज से यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी बरेली शरीफ से जब फतवा आ गया उस मुतनाज़ा शख्स के हवाला से तो उसकी उन्होंने तस्दीक क्यों नहीं की उस पर सैन क्यों नहीं किए पहले नंबर पे फतवा लेने वालों ने खुद भी अभी तक उस पर सैन नहीं किए हुए ये अलग मामला है मगर क़िबला जलाली साहब ज़िद शरफू ने उस फतवा के लिहाज से जो इनको कहा कि बरेली शरीफ से जो फतवा लिया गया बरेली शरीफ के मुफ्तियाने किराम को पाकिस्तान के हालात से बाखबर ही नहीं किया गया
ज़ाहिर है कि उनको जो इस्तिफ़्ता भेजा गया उसी के मुतल्लिक़ उन्होंने जवाब देना था और उन्होंने दे दिया। अगर उनको इस्तिफ़्ता भेजा जाता, ये मुतनाज़ा शख्स करम शाल अज़री जिसने कासिम नदवी की किताब तहज़ीर उन्नास पर तकरीर लिखी, बावजूद इसके इस मुतनाज़ा शख्स को हमारे फलां फलां सुन्नी जय्यद आलिम ने अपना सुन्नी सुप्रीम कौंसिल का चेयरमैन भी माना है, इसका जनाजा भी पढ़ा है, इसकी ताज़ियत भी की है, जमहूर आले सुन्नत इसके रजू की भी कह लें, लिहाजा अब फतवा दिया जाए, जबकि उन्हें इस्तिफ़्ता सिर्फ ये भेजा गया कि एक शख्स है जो अपने आप को सुन्नी कहलवाता है मगर ताज़ीर उन्नास पर उसकी तकरीर मौजूद है, क्या हुक्म आएगा। जो मर्द कलंदर अब तक अल्लाह के फजल से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से 37 अफकार रज़ा सेमिनार्स का इनकाद कर चुका है, और आपने पहले अफकार रज़ा सेमिनार के मौके पर यह कहा था कि रबी जुलजलाल ने अगर मुझे मोहलत दी तो मैं अपने इमाम के अफकार को आम करने के लिए 100 अफकार रज़ा सेमिनार का इनकाद करूँगा। प्रोपेगंडा करने वाले भी दिखाएं, सैयद आला हज़रत अल्लाह रहमा की फ़िक्र को आम करने के लिहाज से क्या खिदमात पेश की हैं इन्होंने या क्या कर रहे हैं, सिवाय तकफीरी तोप की निशानाबाजियों के और क्या काम इन्होंने किया। बावजूद इसके क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शर्फ़ू अपनी वजात भी पेश कर चुके हैं, अपना मौक़िफ़ भी पेश कर चुके हैं, ऑडियो जिसमें ख़यानत की गई सियाक़े कलाम से हटाकर जो कि 2 घंटों पर मुश्तमिल नशिस्त थी जिसमें से 11 मिनट वायरल किए गए, जिस ऑडियो की कोई शरी हसीयत नहीं, जो कि काबिल हुज्जत ही नहीं, बावजूद इसके अगर भी ये अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं तो ये क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शर्फ़ू की ज़ात के लिहाज से एक इस्तिफ़्ता तैयार करें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें वाज़े करें कि क़िबला जलाली साहब ज़ीद शर्फ़ू की 2 घंटों पर मुश्तमिल ये ऑडियो जिसकी कोई शरी हसीयत नहीं, जो कि काबिल हुज्जत नहीं, जिसमें से 11 मिनट सियाक़े कलाम से हटा के वायरल किए गए जबकि वो अपनी वजाहत भी दे चुके हैं, जिनका माजी बेदाग है, जिनका हाल बेदाग है अल्लाह के फजल से, जो हर वक्त फ़िक्र रज़ा के आलम को बुलंद किए हुए हैं, तो उस शख्स के लिहाज से क्या उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम हुक्म सादिर फरमाते हैं, क्या माज़ल्ला वो सुला कुल्ली हैं या वो फ़िक्र रज़ा के बागी हैं। हमारे सैयद आला हज़रत अलैहिर्रहमा तो ये भी फरमाया कि अगर किसी सुन्नी आलम से कोई ऐसा माना सादिर हो तो उसे मुस्तहसन माना पर मामूल करना चाहिए, मगर ये कैसे प्रोपेगंडा करने वाले हैं, ज़ाती अदावत बुग़्ज़ हसद की बुनियाद पर फ़िक्र रज़ा से बगावत खुद कर रहे हैं, और एक सच्चे सुच्चे सुन्नी आलम रबानी मुहाफ़िज़ अक़ीदे अहले सुन्नत फ़िक्र रज़ा के दाई पर तरह तरह के इल्ज़ाम बोहतान लगाने में मसरूफ़ी अमल हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए, हम सब को अक़ीदे अहले सुन्नत पर इस्तक़ामत नसीब फरमाए, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्ला।